ईश्वर आप ही से खुश नहीं है तो आपके द्वारा चढ़ाई गई वस्तुओं से कैसे खुश हो जाएगा? आप उन वस्तुओं को चढ़ा रहे हो, आपको लगता है कि ईश्वर आपसे खुश हो जाएगा। ये चीजें इसीलिए चढ़ा रहे हो कि ईश्वर को खुश करना चाहते हो। इसका मतलब ये मान चुके हैं ईश्वर आपसे नाराज है। जब ईश्वर ही नाराज है तो आपकी वस्तुओं से वो कैसे खुश हो जाएगा आपसे? जब वो आप ही को खुश नहीं है, आपसे ही पसंद नहीं करता आपको, तो आपकी वस्तुओं से कैसे खुश हो जाएगा? क्योंकि आप ईश्वर की चीजें ईश्वर को ही दे रहे हो। एक व्यक्ति ने आपको जन्मदिन पे तोहफा दिया और उसके जन्मदिन पे आपने वही तोहफा उसे वापस लौटा दिया अपना बना करके, तो बताइए कितनी गुस्सा आएगी उस व्यक्ति को? आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति को आप ही पसंद नहीं करते और वो व्यक्ति आपके लिए खाना ले आए तो उस खाने को कैसे पसंद करोगे आप? क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं ईश्वर आपको? ईश्वर की दी गई चीजों को अपना मान के बैठे हो और वो चढ़ा दे रहे हो। फूल आपको ईश्वर ने नहीं दिए हैं, फल आपको ईश्वर ने नहीं दिए हैं क्या? ईश्वर की चीजें हैं और आपने अपनी बना ली और चढ़ा दे रहे हो। आपका तो मन है और मन में ईश्वर दूर दूर तक कहीं नहीं बैठा है। मन तो दे नहीं रहे हो ईश्वर को अपना, मन खुद भटक रहा है। मन में ईश्वर है नहीं, शरीर में ईश्वर है, इसलिए ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं से खुश नहीं होता है। आपसे नजरे फेर के बैठा हुआ है, आपको लगता है वस्तुएं चढ़ाऊंगा तो ईश्वर खुश हो जाएंगे। दुर्योधन को ही पसंद नहीं कर रहे श्री कृष्ण, 56 भोग क्या पसंद करेंगे उसके, आप समझिए। और जब ईश्वर आपको पसंद कर लेंगे, आपके मन को पसंद कर लेंगे, तो ये तमाम चीजें चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल ईश्वर को अपना मन दे दीजिए,